अगर आप एक फ्रेंच बुलडॉग के पेट पेरेंट है या फिर अगर आप एक फ्रेंच बुलडॉग को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका फ्रेंच बुलडॉग हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। तो फ्रेंच बुलडॉग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है इनका फ्लैट फेस होना, जिसकी वजह से इनके जो नोस्ट्रल होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और इनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसको हम ब्रेसिफेलिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे सिंड्रोम भी कहते हैं, और इजी वे में बोला जाए तो इसको बोएस बोला जाता है, यानी BOAS, जिसकी वजह से इनको ह्यूमिडिटी वाले वेदर में और हॉट वेदर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, और ये बहुत ही जल्दी ओवरहीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि हमेशा आपके डॉग के पास पानी हो जिससे वो बहुत ही जल्दी ओवरहीट ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि गर्मी के अंदर जो कूलिंग पैड वाले बेड आते हैं डॉग्स के, उसको आप थोड़ा गीला करके रख सकते हैं, जिससे पानी जो है उसके बॉडी में हमेशा लगता रहे और उसकी बॉडी हमेशा कूल डाउन रहे। इसके साथ आप अपने डॉग का वॉकिंग टाइम सेट कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा धूप में आप अपने डॉग को वॉक पे ना लेके जाएं। कोशिश करें कि 10 बजे या 10 बजे से पहले तक आप अपने डॉग को वॉक पे ले जाएं, और शाम को 5 बजे के बाद ही अपने डॉग को वॉक पे लेके जाएं। और जब भी आप अपने डॉग को वॉक पे लेके जाएं तो हमेशा अपने साथ पानी जरूर लेके जाएं। पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक लग जाए कि गर्मी के वेदर में आप एकदम आइस कोल्ड वाटर दे दें। नॉर्मल पानी होना चाहिए, गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। ह्यूमिडिटी वाले वेदर में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इनकी टाइम से ग्रूमिंग करते रहें। वैसे तो हर वेदर में आपको अपने फ्रेंच बुलडॉग की टाइम से ग्रूमिंग करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली ह्यूमिडिटी के वेदर में क्या होता है कि इनके जो रिंकल्स होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर रहने की वजह से उसमें बहुत ही ईजिली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जो कि इजिली पूरी बॉडी पे फैल जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखें कि ये कॉटन के कपड़े से हल्के गुनगुने पानी से इनके रिंकल जो है क्लीन कर दें, और उसके बाद ड्राई टॉवल से उसको एकदम ड्राई कर दें। तो ये आपको रूटीन रेगुलर रखना है, यानी कि वीक में 2 से 3 बार इनके रिंकल्स क्लीन करते रहने। और सेम ही इनके ईयर्स और आईज के साथ है कि इनकी आईज में टीयर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनको नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मुंह से सांस लेते हैं तो सलाइवा भी आ जाता है, ड्रोलिंग वगैरह हो जाती है, तो इस चीज़ को क्लीन करते रहें। और इनके ईयर्स जो होते हैं वो तो वैसे ही बैट लाइक होते हैं, तो काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें ईजिली डर्ट वगैरह आ जाती है, तो उसको भी हमेशा क्लीन करते रहें, जिससे इनको फ्यूचर में जाके कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी ना हो। इसके साथ फ्रेंच बुलडॉग को जब भी आप वॉक पे लेके जाएं तो कभी भी कॉलर में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी फ्लैट फेस वाले डॉग होते हैं इनका बहुत ही इजीली ट्रैकिया कोलैप्स हो जाता है क्लियरली, यानी कि दम चॉकिंग हो सकती है, दम घुट सकता है अगर थोड़ा सा भी आप जोर से पुल कर लेंगे। तो इनको हमेशा हार्नेस में लेके जाना चाहिए। ऐसे डॉग्स की स्पेशल हार्नेस आती है जो आप अपने वेट से पूछ के ले सकते हैं। इसके साथ हमेशा जब आप इनकी ग्रूमिंग करें तो इनके नेल्स भी कट करें, और इनके पॉज के नीचे भी जरूर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि पॉज ही एक पूरा ऐसा बॉडी पार्ट होता है डॉग का जिसमें स्वेटिंग होती है। डॉग्स के पूरे बॉडी पे कहीं पे भी पसीना नहीं आता है, सिर्फ पॉज के नीचे आता है, और अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो पसीने की वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो हमेशा अपने डॉग के पॉज क्लीन करते रहने चाहिए। अपने फ्रेंच बुलडॉग को हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करानी चाहिए, जैसे बहुत ही ज़्यादा रनिंग, जंपिंग वगैरह, ये सब भी अपने फ्रेंच बुलडॉग को ज़्यादा नहीं करानी चाहिए। ऐसा कोई भी गेम ना खिलाएं जिसमें फ्रेंच बुलडॉग का सांस फूले और उसको सांस लेने में दिक्कत आए। इसके साथ साथ अनहेल्दी ब्रीडिंग की वजह से कुछ फ्रेंच बुलडॉग्स की स्पाइन जो होती है वो भी वीक होती है और इजीली डिसलोकेट हो जाती है, और इनके जॉइंट्स भी इजीली डिसलोकेट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि जंपिंग वगैरह अपने फ्रेंच बुलडॉग को ना कराएं, स्पेशली अगर आपका फ्रेंच बुलडॉग 3 महीने से छोटा है तो उसको स्टेयर्स वगैरह भी ना चढ़ाएं, क्योंकि उस टाइम जॉइंट्स वगैरह फुली डेवलप नहीं होते हैं। और कोई भी ऐसे टॉय से ना खेलें जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है या फिर उसके गर्दन में और स्पाइन में झटका लगता है, जैसे टग ऑफ वॉर हो गया या फिर कोई भी ऐसे पुलिंग वाला गेम हो गया जिसको पकड़ के डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा झटका आता है उनके नेक में, क्योंकि कई बार ऐसे झटका आने की वजह से उनकी नेक या फिर स्पाइन जो है वो डिसलोकेट हो सकती है। अब क्योंकि फ्रेंच बुलडॉग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका वेट बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है और इनके अंदर ओबेसिटी की, एसिडिटी, गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती है।
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है कि हमेशा एक ही बारी में बहुत ज्यादा खाना अपने फ्रेंच बुलडॉग को कभी भी नहीं देना है, लेकिन कभी भी खाना मिस भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंच बुलडॉग एक स्मॉल साइज ब्रीड है और स्मॉल साइज ब्रीड्स के अंदर लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती है। इसलिए कभी भी खाना मिस नहीं करना है और ठंडे वेदर के अंदर हमेशा अपने फ्रेंच बुलडॉग को स्वेटर पहना के रखना है, क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है। तो एक बारी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना देने की जगह उसको कई बारी में डिवाइड कर देना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान रखें कि कोई भी नया फूड अपने फ्रेंच बुलडॉग को कम मात्रा में ही इंट्रोड्यूस कराएं, बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से कोई भी नया फूड अपने फ्रेंच बुलडॉग को ना दे, क्योंकि इनका स्टमक जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत ही जल्दी इनके अंदर ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है। नोटिस करें कि कभी भी आपके फ्रेंच बुलडॉग को कोई नया खाना इंट्रोड्यूस कराने के 24 घंटे के अंदर कोई फूड एलर्जी वाले सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको वॉमिट हो रहा है, या डायरिया हो रहा है, या फिर उसको हेयर फॉल हो रहा है, कि हेयर फॉल भी एक फूड एलर्जी का सिम्टम हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा अपने फ्रेंच बुलडॉग की टाइम से डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डॉग के हेल्थ के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपका डॉग हेल्दी रहे तो डिवॉर्मिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है, ग्रूमिंग है, सही डाइट देना है, एक्सरसाइज कराना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट टाइम से डिवॉर्मिंग कराना है, क्योंकि डिवॉर्मिंग टाइम से ना करने की वजह से आपके डॉग के अंदर कई सारे वर्म्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डॉग के अंदर एनीमिया हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, और ये आपके डॉग की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे, स्पेशली फ्रेंच बुलडॉग जैसी डॉग की ब्रीड के अंदर। तो हैप्पी हेल्दी फ्रेंच बुलडॉग का की क्या है कि हमेशा अपने फ्रेंच बुलडॉग का डिवॉर्मिंग टाइम से कराएं, वैक्सीनेशन टाइम से कराएं, एक रेगुलर चेकअप कराते रहें, प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट दें। इसके साथ साथ आप उसके साथ थोड़ा वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गर्मी के अंदर आप अपने फ्रेंच बुलडॉग को कुकुम्बर, वाटरमेलन्स भी दे सकते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन वगैरह भी नहीं होता है और बॉडी भी हमेशा कूल डाउन रहती है। हाँ, ध्यान रखिए कि वाटरमेलन के हमेशा सीड निकाल के दें, क्योंकि सीड से चॉकिंग हो सकती है और इससे स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर आपका डॉग जो है इन सब फूड से एलर्जिक है तो ये फूड ना दें, हमेशा कम क्वांटिटी में दें, और देखें अगर ये फ्रूट से और वेजिटेबल से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ये आप रेगुलरली दे सकते हैं, लेकिन ये हमेशा स्नैक्स की तरह देना होता है, मील की तरह नहीं देना होता है। इसके साथ ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करानी है आपके फ्रेंच बुलडॉग को, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा लेजी भी नहीं कराना है, यानी कि दिन में 30 मिनट वॉक जो है कम से कम ज़रूर करानी है अपने फ्रेंच बुलडॉग की, और हमेशा अपने फ्रेंच बुलडॉग को क्लीन रखना है। तो यही कुछ टिप्स हैं जिससे आपका फ्रेंच बुलडॉग हमेशा हैप्पी और हेल्दी रह सकता है। सुनने में मुझे बताया कि बहुत ही ज़्यादा लगता है कि इतनी सारी बीमारियाँ हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर फ्रेंच बुलडॉग में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है और किसी के अंदर बिल्कुल इतनी कम है कि वो नोटिसेबल भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करेंगे, जैसे कि ये डाइट वगैरह अच्छी देंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी आपके फ्रेंच बुलडॉग में ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी भी तो बहुत ही कम लेवल पे आएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई चीज़ समझना आई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।